आई बिलीव वेन यू मेक सच अ मूवी जो इतना अलग होती है फ्रॉम द मूवीज विच वी नॉर्मली सी यू नो मूवीज विच एंटरटेन अस दीज द मूवीज विच विद विच अ कॉज ऑफ यू नो प्रोवाइडिंग यू एन अवेयरनेस तो वॉट वी ऑल नो एग्जैक्टली अबाउट वॉट ऑल हैपन बिफोर इट इज़ ऑल अबाउट टेररिज्म बेसिकली वॉट ऑल हैपन ड्यूरिंग द 9/11 अटैक एंड ऑल सो आई बिलीव वी शुड डेफिनेटली गो फॉर दीज मूवीज यू नो एंड कीपिंग अ साइड लाइक वेन वी टॉक अबाउट हाउ वाज़ द डायरेक्शन हाउ वाज़ दिस एवरीथिंग दे आर ऑल्सो मेन पॉइंट्स बट इफ दे आर विद सच अ कॉज देन यू शुड डेफिनेटली गो इन थिएटर एंड देन वॉच इट दैट इज फिल्म मेहता का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा था और हंसल मेहता नोज इज द बेस्ट डायरेक्शन सो लाइक इज इट एनी पार्ट ऑफ द मूवी मेक्स यू डाउट ऑफ नो नथिंग लाइक दैट द मूवी वाज वेरी नाइस बिकॉज़ यू नो सी द कैरेक्टर उमर सईद इज स्टिल देयर इन द जेल ऑफ पाकिस्तान राइट सो टिल वेयर द स्टोरी वाज इज एंड यू नो इट हैज बीन पोर्ट्रेट वेरी नाइसली एंड राजकुमार राव हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब राजकुमार राव की एक्टिंग कैसी लगी बहुत अच्छी बहुत अच्छी अब उनको कितने मार्क्स देना चाहिए ये बिल्कुल यार उनको 5 में 5 ही मिलने चाहिए कुछ कट नहीं हो सकता थैंक यू एनकरेज टेररिज्म जो बात हो गई सो हो गई इतनी नेगेटिविटी वाई शुड पीपल स्प्रेड ना अब अच्छी बात सोचना चाहिए अच्छी चीज़ें फैलाना चाहिए लोगों में और ये पुरानी बात पाकिस्तान इंडिया ये सब दिखाए जा रहे हैं देर इज़ नो नीड फॉर शोइंग ऑल दिस थिंग्स और एक्टिंग है तो एक्टिंग में कि तो न्यूटन और बहुत सारी अच्छी पिक्चर है दिखाने के लिए तो बस उसी की एक्टिंग अच्छी थी बट आई एक्सपेक्टेड मोर आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ वो इतना ये है आई थिंक ही शुड स्टॉप वर्किंग इन दिस टाइप ऑफ फिल्म्स अच्छी लगी मुझे बहुत अच्छी लगी फर्स्ट टाइम मैंने उनकी मूवी देखी है मुझे एक्टिंग भी बहुत ही अच्छा था मूवी का डायरेक्शन स्टोरी कैसी है स्टोरी भी ठीक ठाक थी मुझे अच्छी लगी बहुत पुराने ज़माने का स्टोरी है इंडिया पाकिस्तान मतलब वो ऐसा तो आप में कितना स्टार देना चाहिए 5/3 5/4 थैंक यू राजकुमार की ये मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई है राजकुमार की एक्टिंग में कोई डाउट नहीं है वो हमेशा से अपनी एक्टिंग अच्छी करते हैं और इस बार उनका एक लेवल अप था तो एक्टिंग वॉज इज़ वेरी गुड और स्टोरीज लाइक इंडियन पाकिस्तान वाइज हाँ स्टोरी में कोई कमी नहीं थी हाँ स्टोरी इज़ गुड ये हमें पुराने जानों से ताजबात कराती है तो स्टोरी वाइज ऑल्सो गुड वेरी गुड मूवी एंड मैं इसे 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा थैंक यू जी ये मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे राजकुमार राव की एक्टिंग हमेशा ही बेस्ट रहता है और इस फिल्म में भी मुझे अच्छा ही लगा उनकी एक्टिंग और इस मूवी में आपको एक्शन डायरेक्शन कैसा लगा डायरेक्शन भी मुझे बेस्ट लगा इस फिल्म का तो आप ये कितना स्टार देना चाहेंगे 5 5 5 5 स्टार देना चाहूँगा हाँ राजकुमार की एक्टिंग के लिए okay.